स्टूडेंट्स कम टू द पेज नंबर 15 यूनिट नंबर 3 साउंड्स। इस पेज पर हम साउंड्स के बारे में सीखेंगे। पार्ट ए है से द वर्ड राइट द साउंड। हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स हैं, हमें इसके साउंड पे फोकस करना है और जो ओल्ड साउंड की आवाज़ देंगे हमने उनको उस कॉलम में लिखना है और जो एंड साउंड की आवाज़ देंगे हमने उन्हें सेकेंड वाले कॉलम में लिखना है। हमारे पास दो साउंड्स हैं ओल्ड और एंड। अब ओल्ड साउंड से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे कि कोल्ड बोल्ड ओल्ड होल्ड गोल्ड एंड टोल्ड। एंड से रिलेटेड जैसे प्लांट आंट क्रंट एलिफेंट वॉन्ट और पेंट। ठीक है, इस तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है। बी पार्ट है नेम एंड कलर। यूज द वर्ड्स फ्रॉम द एक्टिविटी ए टू हेल्प यू। यहाँ पर हमने क्या करना है कि नेम एंड कलर, उसका नेम लिखना है पिक्चर को देखते हुए और उसमें कलर करना है, और इसके लिए हमने ए पार्ट को यूज़ करना है, उसकी हेल्प लेनी है। जैसे देखें फर्स्ट पे हमारे पास किसकी पिक्चर है, आंट की, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे आंट। सेकंड में देखिए वो क्या फील कर रही है, कोल्ड सर्दी फील कर रही है, तो वो यहाँ हम क्या लिखेंगे कोल्ड। थर्ड में क्या है एलिफेंट, फोर में क्या है ओल्ड, फाइव में प्लांट एंड सिक्स में गोल्ड। ठीक है, हमने इसको इसी तरह सॉल्व करके इसके अंदर प्यारे से कलर करने हैं। सी पार्ट है लिसन एंड स्पेल। इसमें देखें हमने 10 वर्ड्स जो हैं डिफिकल्ट वर्ड्स उनको यहाँ पर लिखना है और मामा से आपने कहना है कि आपको वो डिक्टेट करवाएंगी, आप यहाँ पर इसको लिखेंगे और इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको इस पेज की समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।